तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको पता है वो अब्दुल्ला कौन है? मैं हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का सीन ना बड़ा क्रेजी है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंटेंट आएगा तो मजबूत आएगा, क्योंकि शेर जब दो कदम पीछे लेता है तो शिकार बहुत खतरनाक तरीके से करता है। तो आज हम करने वाले हैं वी गोना स्नेक इनटू कॉलेज, दूसरी कॉलेज में स्वयं सिद्धि। और ऐसा वैसा नहीं, आज है वहाँ पे फेस्ट और वो कॉलेज में वही स्टूडेंट अलाउड है जो कॉलेज में पढ़ते, लेकिन हम है दूसरी कॉलेज के। लेकिन साकिब वो कॉलेज में और मेरे काफी दोस्त है, तो आज उनका है रैम्पॉक। तो मैं बोला क्यों ना, जहाँ कंटेंट वहाँ मैं, और व्लॉगर हूँ भाई, घुसने की परमिशन लगती नहीं, डायरेक्ट घुस जाते हैं। और एक बात और, रैंप वॉक कर रहे हमारे बॉयज तो उनकी तैयारी भी पहले से चालू हो गई है। भाई अभी का सीन ये है, दोपहर का 1 बज रहा है दोपहर का, और कड़कती फड़कती धूप में हमारे लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस रैंप वॉक की कर रहे हैं भाई। सारे मॉडल बने हैं, सारे यही पे है, सारे। हाय हेलो, तो कुछ बोलो ये। तो भाई अभी का सीन ये है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 और अभी तक कोई आया नहीं, किसी का आता पता नहीं है। मैं तो मस्त अच्छे बच्चों की तरह रेडी होके बैठा हूँ, मेरा तो इवेंट भी नहीं, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले रेडी होके मैं ही बैठा हूँ। तो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कॉलेज पहुँचने के बाद एक अलग ही बात मालूम पड़ गई। 4:30 बजे अभी कॉलेज के बाहर आके खड़ा हूँ मैं, और यहाँ पे आके मालूम पड़ रहा है कि अपना कुछ फॉर्म भी दिखाना है तो एंट्री मिलेगी अंदर। अब मैं कॉलेज का तो हो नहीं, तो अब इसका जुगाड़ लगा रहा हूँ कि कैसे मैं अंदर घुस सकता हूँ। तो ऐसे तैसे करके जुगाड़ लगा के मैं तो पहुँच गया अंदर, क्योंकि क्राइम मास्टर गोगो है भाई, आया तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। मिशन कम्प्लीटेड बॉय, हम अंदर कॉलेज में घुस चुके हैं, अब बस आगे चेक नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ का सीन ये है कि ये स्टेज है और यहाँ पे सब पब्लिक बैठने वाली, हम भी बैठेंगे वहाँ कहीं। अभी तो ऑफिशियली हम कॉलेज के अंदर हैं, साकिब गेट के बाहर है, अभी देखो वो भी आ रहा है, तो थोड़ा सी करते हैं क्या सोच। ये चेक किया जा रहा है कि कितना बड़ा रैंप वॉक के लिए, तो क्या लगता है हो पाएगा सही से? हो पाएगा, कोशिश करेंगे, आई विल बी ट्राइंग इंशाल्लाह। स्टेज कितना बड़ा है? अरे एकदम मुख्तसर सा है यार, रैंप वॉक के लिए मेरे हिसाब से बहुत छोटा है। हमारे साकिब बॉय इज हियर। भाई तू इतना हमेशा इतना लेट क्यों होता है? अरे यार लेट पैदा हुआ था अपना भाई, 1 घंटा लेट है तू। क्या हो गया, आधा हो गया क्या? पूरा खत्म होने में आया, क्या मस्त घुस के आया हो किसी को बताने का। बैक स्टेज पे भी घूम रहा हूँ, ऐसे चौड़ में घूम रहा कि अपनी कॉलेज है भाई। साकिब जगह ढूंढा है, वो भी फर्स्ट रो में वीडियो बन रहा है, मैं उसका बना रहा हूँ, वो मेरा बना रहा है। तो अंदर पहुँचने के बाद, थोड़ा टाइम पास करने के बाद, यहाँ वहाँ घूमने के बाद पहला परफॉर्मेंस चालू हुआ और पहला गाना गाया गया। गाना तो इतना खास नहीं था, पब्लिक मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अच्छा था, क्योंकि स्टेज पे जाके कुछ करने काफ़ी कॉन्फिडेंस लगता है और वो कॉन्फिडेंस अब में नहीं होता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो चलेगा भाई, इतना कॉन्फिडेंस के भी दाग देना। गाना ख़त्म होने के बाद सारे बॉयज़ और मैं गए हम लोग चेंज करने। क्यों? क्योंकि ऐसे सादे कपड़े में तो रैंप वॉक कर नहीं सकते, स्वैग नहीं आएगा ना भाई, थोड़ा स्वैग लाने के लिए, और फिर आने दे फिर इसके लिए गए चेंज करने। चला चला वर्दी, चला वर्दी, चला। भाई अभी का सीन ये है कि सब पब्लिक अपने सारे बॉयज रेडी हो गए, एकदम मस्त चकाचक, शादी मुबारक सबको। रेडी होने के बाद फाइनल प्रैक्टिस।
यही फाइनल नहीं है कौन राइट जाएगा कौन लेफ्ट जाएगा। मेरे को लग रहा है स्टेज के नीचे उतरेंगे सब। तो अभी ये सब होने के बाद बारी आई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमारे बॉयज़ जीते थे टग ऑफ वॉर में फर्स्ट प्राइस, और वहाँ पे प्राइस लेने वाला कोई था नहीं क्योंकि सारे ड्रेसिंग मार के बैक स्टेज में थे, और ऐसे डायरेक्ट आके प्राइस लेते तो उनका मज़ा ख़राब हो जाता कपड़े का। तो मैं क्या किया हूँ, मैं गया स्टेज पे दूसरी कॉलेज के दूसरे का प्राइस लेने और बैठ के वहाँ पे फ़ोटो पे खिंचा के मेडल दिखा के। सीन ये कि नकली प्राइस लेने के बाद ऐसा मतलब छाती चौड़ा हो गया, मजा आ गया, मेरे कॉलेज में तो मिला नहीं तो यहाँ आके ले गया। तो इसलिए मैं बोल रहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है ना वो अब्दुल्ला दीवाना मैं हूँ, और अभी उनका फैशन शो चालू होने जा रहे तो हम जा रहे हैं अभी म्यूजिक सिस्टम के पास। अपनी पब्लिक आ रही है मुंबई सकता जाते जाते भी तुम्हारे भाई ने तबाही मचा दी। लास्ट में मैगजीन के लिए फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो स्टेज पे एकदम फ्रंट में आ गए बैठ के, मैं फ़ोटो क्लिक करवाया मैगजीन के लिए। थ्री इडियट में आपने वाला डायलॉग सुना है क्या, यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है कहीं भी जाने के लिए। बस इवेंट हो गया ख़त्म। एंड में हमें बोला गया, मतलब दूसरे लोगों को बोला गया कि अब सारी पब्लिक चले गई है, जितने लोग भी बचे हैं हम गाना लगा रहे हैं, आप नाचो भाई। तो सारे बॉयज़ जिंग 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 आठ